इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित होने वाले इंडियन टैली अवार्ड की तैयारियों का जायजा लेने संभाग आयुक्त नेहरू स्टेडियम पहुंचे। संभाग आयुक्त के साथ इंदौर ईडीजी वरुण कपूर, कलेक्टर निशांत परवड़े, एएसपी रुचिवर्धन मिश्र सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने नेहरू स्टेडियम का जायजा लिया। स्वच्छता को देखते हुए इस इवेंट में भी डिस्पोजल फ्री के साथ जीरो वेस्ट थीम किया जाएगा। यह पहली बार है कि इंडियन टैली अवार्ड मुंबई की जगह दूसरे शहर में हो रहा है। इसकी तैयारियों की समीक्षा करने संभागायुक्त सहित तमाम अधिकारी समीक्षा करने नेहरू स्टेडियम पहुंचे। वहीं कार्यक्रम में भाग लेने कलाकार भी शनिवार से इंदौर आना शुरू हो जाएंगे। इस अवार्ड को होस्ट कर रहे कपिल शर्मा और टीम शनिवार सुबह इंदौर पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ भी कार्यक्रम में भाग लेंगे। ये हमारे प्रदेश के लिए और शहर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पहली बार आईटी अवार्ड्स हैं वो मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में इंदौर में आयोजित हो रहे हैं, और प्रोग्राम के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों ने अपने पूरे एक जॉइंट मीटिंग की है कमिश्नर साहब और एडीजी साहब के साथ, और बेसिकली एंट्री रिलेटेड इशूज़, सिक्योरिटी रिलेटेड इशूज़ और जो यहाँ पर विजिटर्स आएंगे उन्हें कोई समस्या ना हो, ये सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की है। हम लोगों का निरंतर प्रयास यही है कि हमारे शहर में इस तरह के जो भी बड़े इवेंट्स होते हों, परसों आईटीए है, इसके बाद 14 से हमारा जो टेस्ट मैच है इंडिया और बांग्लादेश का, तो इन सभी जो बड़े बड़े इवेंट्स हैं इसको हम लोग कहीं ना कहीं एक थीम से रिलेट करके देखें, और टेस्ट मैच को भी हम लोग एक जीरो वेस्ट जनरेटिंग इवेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। मोरलेस उसी तर्ज पर आईटीए भी इन्हीं दोनों थीम्स को ऑर्गेनाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जो इंडियन टेलीविजन अवार्ड्स हैं वो पहली बार ऐसा हो रहा है कि 19 साल बाद बॉम्बे से बाहर कहीं पर हो रहे हैं, और बॉम्बे से बाहर ये इंदौर में हो रहे हैं। ये मुझे लगता है इंदौर के लिए बहुत गर्व की बात है, और इंदौर की ब्रांडिंग के लिए, इंदौर के नाम के लिए ये कार्यक्रम मुझे लगता है एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी व्यूअरशिप है, पूरे देश भर में इसको दिखाया जाएगा, और जब लोगों को पता चलेगा कि इंदौर में हो रहा है तो इंदौर की एक अलग इमेज लोगों के मन में स्थापित होगी। इसलिए नगर निगम की तरफ से इंदौर शहर के महत्व को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर पूरा इनको सपोर्ट किया जा रहा है, और जो भी इनके द्वारा रिक्वायरमेंट चाहे वो स्टेडियम से संबंधित, आपसी रखरखाव से संबंधित या आसपास के रूट्स और पार्किंग से संबंधित हैं, वो सब सहयोग, इवन ब्रांडिंग का भी सहयोग हमारे द्वारा किया जा रहा है।